नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत सुंदर डिजाइन लाई हूँ, जिसे किसी भी बच्चों के प्रोजेक्ट में या फिर लेडीज प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए, यानी दो दो फंदे अगर आप गिने तो लास्ट में एक फंदा बचना चाहिए। तो मैंने 17 फंदे डाले हैं, 17 फंदे डाले हैं और थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है। तो डिजाइन का पहला लाइन और सामने से, तो हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लेंगे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, अपने सेकेंडरी कलर के उल से सीधा बुनेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और सीधा फंदा और हम थोड़ा ढीला बनाएंगे। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, तो पहला फंदा है जिस टीचर, इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अगला फंदा हम सेकेंडरी कलर के उसे सीधा बुनेंगे, थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर इसी में एक बार और सीधा, हाथ हम ढीला रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे में सीधा, उन अपनी ओर और फिर इसी में सीधा। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा बुनना है, सेकेंडरी कलर के उनसे सीधा बुनना है, फिर उन अपनी ओर करना है और फिर इसी में एक बार और सीधा, थोड़ा सा हम खींच लेंगे, इसे हम ढीला ही बनाएंगे। इसी तरह एक फंदा स्लिप करते हुए अगले फंदे से एक से तीन फंदा बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे में से एक फंदे से तीन फंदा हमें बना लेना है, अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदे से एक फंदे से सीधा बुनते हुए एक फंदे से तीन फंदा बना लेना है और लास्ट फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो इस तरह हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है, तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को, जिसे हमने एक से तीन किया था, तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर अब तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, जो हमने एक से तीन फंदा किया था इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और वापस तीन से एक कर लेंगे, तो जितने फंदे हमारे पास थे वापस उतने फंदे हो जाएंगे। अब तीनों फंदों को सेकेंडरी कलर वाले ये तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे, सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर तीनों एक से तीन किए हुए फंदों को में से तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए वापस तीन से एक कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हमने दो लाइन कंप्लीट कर ली। अब तीसरी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के उल से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और चौथी लाइन में हम सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। पांचवी लाइन में फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनाई करेंगे। पहले फंदे में हम एक फंदे से तीन फंदा बना लेंगे और दूसरा फंदा स्लिप कर लेंगे। देखिए, जिसमें हमने पिछली बार डिजाइन बनाया था अब की हम उसे स्लिप करेंगे और जिसे स्लिप किया था अब की उस पर हम एक से तीन फंदे बनाएंगे।
नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। अगले फंदे में हमें एक से तीन फंदा बनाना है, सीधा बुना ऊन अपनी ओर और फिर इसी में सीधा। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगले फंदे पे फिर डिजाइन बनाना है, सीधा बुनना है, फिर ऊन अपनी ओर करना है और फिर सीधा। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट हो गया। छठे लाइन में हम अपना दूसरा लाइन ही दोहराएंगे, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे, अगला तीन फंदा हम लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर वापस हम एक से तीन किए गए फंदे को वापस तीन से हम एक कर देंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने अपना छठा लाइन कंप्लीट कर लिया। सातवें लाइन में फिर प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और आठवें लाइन में सभी फंदे उल्टे। इन्हीं आठों लाइनों को जब हम ऊपर ऊपर दोहराएंगे तो एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन बहुत ही सुंदर है, आप इसे जरूर आजमाइएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।